हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो यहाँ पर हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में जिसका जो बायबैक है वो 4 दिसंबर को आ सकता है। और ये न्यूज़ यहाँ पर मार्केट में आते ही शेयर की जो प्राइस उसमें यहाँ पर हमें जो है 6% का जो पॉजिटिव मूवमेंट होता है अपसाइड के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है। करंट यहाँ पर 29 नवंबर चल रहा है और यहाँ पर मार्केट में बहुत ही बड़ा एंटिसिपेशन है कि इसका जो बायबैक हो वो सबसे बड़ा हो सकता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहां पर जो कंपनी है जिसका बायबैक आने वाला है 4 दिसंबर को वो है शेवियॉट कंपनी। ये एक टेक्सटाइल बेस्ड स्टॉक है जिसने नियरली अभी बहुत ही अच्छा जो हाई प्राइस यहां पर मैं बनाया था और काफी अच्छा जो है अगर मैं यहां पर डिविडेंड पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा यहां पर हमें इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखने को मिला है। अगर मैं यहां पर 2021 के हिसाब से बात करूं तो इस शेयर ने 175 या 125 रुपीज के अराउंड इसने डिविडेंड भी पे किया है। और उसके साथ साथ में ऐसा नहीं कि डिविडेंड एडजस्ट होने के बाद भी इस शेयर ने ऑलमोस्ट अपनी जो प्राइस थी उस टाइम उससे डबल प्राइस से भी 20-30% अपसाइड मोमेंटम इस शेयर ने लगाया है। अगर मैं शेयर के बारे में बात करूं तो नियरली इसने अभी जस्ट हाई बनाया था 2055.55 रुपीज का और अभी करंटली बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे 1295 पर यहां पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑल्दो ये कंपनी जो है 4 दिसंबर को अपना जो है बायबैक अनाउंस करेगी, क्या प्राइसिंग रहेगी 10% 20% 25% अकॉर्डिंगली ये कर सकती है। बट यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इसका 2000 रुपीस का हाई है। सो यहां पर अगर समझ लो शेयर जो है 1300 पर भी स्टेबल होता है और 20% का भी हम अगर यहां पर बायबैक समझते हैं तो यहां पर हमें 1600 तक के जो टारगेट्स होंगे वो यहां पर हमें इजीली जो है कंप्लीट होते हुए देखने को मिल सकते हैं विद इन 2 या 2.5 मंथ में, यह पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। ऑल्दो मार्केट में काफी पॉसिबिलिटी बट वन ऑफ द फैक्टर दैट इज अगर समझ लो 4th दिसंबर को अगर यहां पर पोस्टपोन हो जाता है या फिर जो है डिले हो जाता है या फिर डिक्लाइन हो जाता है ये जो बायबैक है तो उसके अंदर बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। सो यहां पर कॉन्ट्रेरी यहां पर हमें जो है एक्ट करना है। अगर आपको टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर निवेश करना हो और यहाँ पर आप एक अच्छा सा एट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड चाहते हो तो ही मेरे हिसाब से आपको जो है शेवियॉट कंपनी में आप निवेश कर सकते हो। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी एज वेल एज ए बायबैक के बारे में जो हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी वो आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।